महोदय जी, मैं सुमन रानी, टीजीटी सोशल साइंस, डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल पानीपत से। सर, मेरा आपसे प्रश्न है कि नई शिक्षा नीति छात्रों को उनके कौशल को विकसित करने में नए अवसर कैसे प्रदान करेगी? धन्यवाद महोदय। धन्यवाद मैम। मान्यवर, पूर्व के स्कॉटलैंड नाम से प्रसिद्ध मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स की कक्षा 9वीं की छात्रा शीला वैष्णव भी आपसे इसी विषय पर प्रश्न पूछना चाहती है। शीला, कृपया अपना प्रश्न रखें। गुड मॉर्निंग सर, आई एम शीला वैष्णव ऑफ जवाहर नवोदय विद्यालय मफलंग, ईस्ट खासी हिल्स, मेघालय, स्टडिंग इन क्लास 9th। माय क्वेश्चन टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज, हाउ प्रोविजंस ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी will empower students' lives in particular and society in general and pave way for Naya Bharat. Thank you, sir. Thank you, Sheila. श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी, नई शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए इस तरह के कई और भी सवाल देश भर से प्राप्त हुए हैं, जिनमें विद्यार्थियों ने यह अभिव्यक्त किया है कि हमारी रुचि कुछ और होती है, हम विषय कोई और पढ़ रहे होते हैं। ऐसी स्थिति में क्या करें? कृपया मार्गदर्शन कर कृतार्थ करें। जरा गंभीर प्रकार का सवाल पूछा है और इतने कम समय में उसका पूरा विस्तार से जवाब देना भी कठिन है। पहली बात तो है, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बजाय हम ये कहें ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, NEP। कुछ लोग एन को न्यू कहते हैं, एक्चुअली ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। और मुझे अच्छा लगा कि आपने पूछा, शायद दुनिया में शिक्षा की नीति निर्धारण में इतने लोगों का इन्वॉल्वमेंट हुआ होगा, इतने स्तर पर हुआ होगा, ये अपने आप में शायद एक बहुत बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ...2014 से जब मुझसे इस कार्य के लिए आप सबने पसंद किया तो शुरुआत से इस काम पर हम लगे थे। करीब 6-7 साल तक बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग हुआ, हर स्तर पर हुआ, गांव के शिक्षकों के बीच हुआ, गांव के स्टूडेंट्स के बीच हुआ, शहर के शिक्षकों के बीच हुआ, शहर के स्टूडेंट्स के बीच हुआ, बॉयज स्टूडेंट्स ने कहा, गर्ल्स स्टूडेंट्स ने कहा, दूर सुदूर पहाड़ों में, जंगलों में, यानी एक प्रकार से हिंदुस्तान के हर कोने में सालों तक इस विषय पर ब्रेनस्टॉर्मिंग हुआ। उस सब के जिस्ट तैयार किए गए और देश के बहुत ही अच्छे विद्वान, और वो भी आज के युग को ध्यान में रखते हुए, जो लोग साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए थे, ऐसे लोगों के नेतृत्व में इसकी विशद चर्चाएं हुई, उसमें से एक ड्राफ्ट तैयार हुआ, उस ड्राफ्ट को फिर लोगों के बीच में भेजा गया और 15-20 लाख इनपुट्स आए। यानी इतना बड़ा एक्सरसाइज, इतनी व्यापक एक्सरसाइज, उसके बाद एजुकेशन पॉलिसी आई है। और ये एजुकेशन पॉलिसी को मैंने देखा है कि पॉलिटिकल पार्टी, सरकार कुछ भी करें तो कहीं न कहीं से तो विरोध का स्वर, कुछ न कुछ तो हर कोई मौका ढूंढता रहता है। लेकिन अब मेरे लिए खुशी की बात है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का हिंदुस्तान के हर तबके में पुरजोश स्वागत हुआ है। और इसलिए इस काम को करने वाले सब अभिनंदन के अधिकारी, लाखों लोग हैं जिन्होंने इसको बनाया है, ये सरकार ने नहीं बनाया है, देश के नागरिकों ने बनाया है, देश के विद्यार्थियों ने बनाया है, देश के टीचर्स ने बनाया है और देश के भविष्य के लिए बनाया है। अब एक छोटा सा विषय, पहले हमारे यहां खेलकूद एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी माना जाता था,
आपको जो पांचवी छठी सातवीं में पढ़े होंगे उनको पता होगा। अब इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में वो शिक्षा का हिस्सा बना दिया गया है। यानी खेलकूद, खेलना खिलने के लिए बहुत अनिवार्य होता है, बिना खेले कोई खिल नहीं सकता। अगर आप खिलना चाहते हैं, खुलना चाहते हैं, तो खेल जीवन में बहुत जरूरी है। टीम स्पिरिट आता है, साहस आता है, अपने प्रतिस्पर्धी को समझने की ताकत आती है। ये सारी किताबों में से जो सीखते हैं खेल के मैदान में आसानी से सीख सकते हैं, लेकिन वह पहले हमारी शिक्षा व्यवस्था से बाहर था, एक्स्ट्रा एक्टिविटी था, उसको प्रतिष्ठा दी। अब आप देखते हैं कि परिवर्तन आने वाला है, और इन दिनों खेलकूद में जो रुचि बढ़ रही है तो उसको एक प्रतिष्ठा मिली है। फर्क, मैं एक ऐसी चीज बता रहा हूं कि जो आपको ध्यान में आए, कहने के लिए तो मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं। उसी प्रकार से क्या हम 20वीं सदी की नीतियों को लेकर के 21वीं सदी का निर्माण कर सकते हैं क्या? मैं आप लोगों से पूछता हूं, 20वीं सदी की सोच, 20वीं सदी की व्यवस्था, 20वीं सदी की नीति, इससे 21वीं सदी में आगे बढ़ सकते हैं क्या? जरा जोर से बताइए ना। नहीं बढ़ सकते ना। तो हमें 21वीं सदी के अनुकूल अपनी सारी व्यवस्थाओं को, सारी नीतियों को ढालना चाहिए कि नहीं ढालना चाहिए? अगर हम अपने आप को इवॉल्व नहीं करेंगे तो हम ठहर जाएंगे, और ठहर जाएंगे ऐसा नहीं, हम पिछड़ जाएंगे। और इसलिए भी, वैसे बीच में समय जितना जाना चाहिए था उससे ज्यादा चला गया, उससे देश का नुकसान हुआ है, लेकिन अब जब हम पहुंच चुके हैं, अब जैसे आज हम देखते हैं कि कभी कभार मां बाप की इच्छा के कारण, रिसोर्सेज के कारण, नजदीक में व्यवस्था के कारण हम अपनी इच्छा के शिक्षा के लिए आगे नहीं बढ़ पाते हैं, और सब प्रेशर के कारण और प्रतिष्ठा के कारण एक धरे पर चले गए, हाँ नहीं नहीं डॉक्टर बनना है, लेकिन हमारा जो इंस्टिंक्ट है कुछ और है। मुझे वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्ट है, मुझे पेंटिंग में इंटरेस्ट है, मुझे टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, मुझे साइंस में इंटरेस्ट है, मुझे रिसर्च में इंटरेस्ट। अब कारणों से मेडिकल में तो चला गया, पहले तो गए हैं, तो फिर इस पाइपलाइन में यहां घुसे आप तो आपको वहां ही निकलना पड़ेगा दूसरे छोर पर। अब हमने कह दिया ऐसा जरूरी नहीं है कि आप प्रवेश कर लिया लेकिन एक साल दो साल के बाद लगा कि नहीं नहीं भी मेरा रास्ता ये नहीं है, मेरा तो मिजाज वो है, मैं तो वहां जाना चाहता हूं। तो अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपको नए रास्ते पर जाने का अवसर देती है, सम्मान के साथ अवसर देती है। आज हम जानते हैं पूरी दुनिया में स्किल का महत्व बहुत बढ़ गया है। सिर्फ शिक्षा, सिर्फ ज्ञान का भंडार ये इनफ नहीं है, हुनर भी होना चाहिए, स्किल होनी चाहिए। अब इसको हमने सिलेबस का हिस्सा बनाया है ताकि उसका पूर्ण विकास के लिए उसको खुद को अवसर मिले। आज खुशी हुई, मैं अभी एक प्रदर्शनी देख के आया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का क्या रिफ्लेक्शन होता है, वो छोटे से रूप में आज शिक्षा विभाग के लोगों ने रखा था, मैं शिक्षा विभाग को बधाई देता हूं, यानी बहुत ही प्रभावित था, आनंद आता था कि हमारे आठवीं दसवीं कक्षा के बच्चे 3D प्रिंटर बना रहे हैं, आनंद आ रहा है कि हमारे आठवीं दसवीं कक्षा के बच्चे वैदिक मैथमेटिक का ऐप चला रहे हैं और दुनिया भर के स्टूडेंट उनसे सीख रहे हैं। नंदिता और निवेदिता दो बहनें में जो मिली, मैं बहुत ही सरप्राइज था। हमारे यहां तो इन चीजों को बुरा माना जाने वाला एक वर्ग होता है,
लेकिन उन्होंने दुनिया भर में अपने स्टूडेंट खोज लिए हैं। वे खुद स्टूडेंट रहे लेकिन गुरु बन गए। अब देखिए उन्होंने टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया है, टेक्नोलॉजी से वो डरे नहीं है, टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। उसी प्रकार से मैंने देखा कुछ स्कल्पचर्स बनाए हुए हैं, कुछ अच्छे पेंटिंग बनाए, और इतना ही नहीं उसमें विजन था। ऐसे ही करने के लिए नहीं किया गया, मैं उस विजन को अनुभव करता था। इसका मतलब हुआ कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत सारे अवसर दे रही है। और इस अर्थ में मैं कहूंगा कि हम जितनी बारीकी से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को समझेंगे और प्रत्यक्ष में उसको धरती पर उतारेंगे, आप देखिए मल्टीपल बेनिफिट्स आपके सामने होंगे। तो मेरी देश भर के टीचर्स को, देश भर के शिक्षाविदों से, देश भर के स्कूल्स से मेरा आग्रह है कि आप इसकी बारीकियों को जमीन पर उतारने के नए नए तरीके डेवलप कीजिए, और जितने ज्यादा तरीके होंगे उतने ही ज्यादा अवसर प्राप्त होंगे। मेरी शुभकामनाएं हैं।